देखिए आज बड़े ही खुशी की बात है कि इस विश्व के जो सबसे विद्वान व्यक्ति जिनको माना गया है वो कौन है, तथागत गौतम बुद्ध। और ऐसा कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बड़े ही खुशी की बात है कि आज हम भी एक बोधि वृक्ष के नीचे और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो ये स्वयंसेवी हैं उनके साथ यहाँ पर हैं, और इस समय हम एक नशा मुक्ति अभियान के लिए ग्राम पंचायत छरबा में इस अभियान को संकल्प पत्र भरवाते हुए पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि ये बोधि वृक्ष के नीचे कुछ बात कही जा रही है, बात ज्ञान की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इस विश्व में नॉलेज ज्ञान बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन इससे आगे चलकर भी एक चीज़ है, वो होती है समझ। आपने देखा होगा बहुत सारे विषय के विशेषज्ञ यानी कि गुरुजन आपको ज्ञान देते हैं, वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनको ज्ञान होता है, लेकिन इससे आगे निकलकर एक होती है अंडरस्टैंडिंग, समझ। जब तक वो समझ हमारे अंदर नहीं आती है तो हम हर परिस्थिति में हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और ज्ञान देने वाला भी जो है अपने शिष्य से पीछे रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गुरु रह गया और शिष्य शक्कर हो गया, या इस तरह से लोग कहते हैं, यानी कि चेला आगे निकल जाता है, शिष्य आगे निकल जाता है, वो इसीलिए आगे निकलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करूंगा कि हमें पानी की तरह बनना चाहिए जो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, हमें पत्थरों की तरह नहीं बनना चाहिए जो दूसरों का रास्ता रोक देता है। अगर अभी इन पत्थरों को हम इस सड़क पर रख दें तो ये सबका रास्ता रोक लेंगे, लेकिन पानी अगर इधर से आएगा तो वो अपना रास्ता बनाकर चला जाएगा। तो इस तरह हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि हम अगले रास्ते में या औरों के लिए रास्ते खोलते चले जाएंगे।